पूरा का पूरा रिव्यू आप आराम से बैठे और पूरा का पूरा गाड़ी का रिव्यू देखें कि हमने कैसी और कितनी मेहनत से ये गाड़ी बनाई है, क्या कुछ हम गाड़ी के अंदर देते हैं। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा रिव्यू पहले मैं आपको आगे की साइड से दिखाता हूँ गाड़ी का। यहाँ आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो यहाँ पर लगी है। गुड्स कैरियर ऑल इंडिया परमिट यहाँ पर हमने लिखा है। बीच में ये सब कस्टमाइज हो जाता है गाड़ी वाले के हिसाब से। यहाँ आप देख सकते हैं भाटिया यहाँ पर लिखा है, हमारा पूरा आईकेट के अंदर नाम लिखा है यहाँ पर हमने, ईश्वर ट्रक बॉडी बिल्डर्स ITV इंदौर, यहाँ मेरा फ़ोन नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं आगे की साइड में जो हमने यहाँ पर एल्युमिनियम का गोला दिया है हैवी, और दो हैंडल्स दिए हैं यहाँ पर गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए। बीच में सेंटर प्लेट आप देख सकते हैं, सब कुछ जो है स्टील के अंदर यहाँ पर हमने काम करा है। आप यहाँ सीढ़ी देख सकते हैं स्टील की, और बम्पर फट्टी देख सकते हैं हमने बड़ी बनाई है यहाँ पर, पूरी चौड़ी बम्पर फट्टी, ताकि जब पूरा गाड़ी के अंदर पूरा कोने से कोने तक आपका हाथ पहुँच जाए। और आगे की साइड में आप देख सकते हैं स्टील के पाइप की जो हैवी क्वालिटी हमने इस्तेमाल करी है। ग्रेडिंग जो है स्टील की है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबे समय तक आपको कोई भी गाड़ी के अंदर तकलीफ़ नहीं आने वाली। तो अब मैं नीचे की साइड में बात करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ITV इंदौर का मार्का और 4825 इस साइड में हमने लिखा है गाड़ी के अंदर। BS6 रोड किंग पूरा का पूरा रेडियम का यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम। नीचे की साइड आप देख सकते हैं जय जय मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा हमने गाड़ी के अंदर। और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं क्रोम की यहाँ पर जाली, और यहाँ आप देख सकते हैं हम मार्का हमने लगाया है गाड़ी के अंदर। ग्रेडिंग यहाँ पर दी है हमने, पूरा का पूरा क्रोम जो है ग्रेडेड क्रोम है। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लाइट की यहाँ पर हमने फिटिंग करी है, दो भूत गाड़ी के अंदर, और जंजीर का बढ़िया बखूबी काम हमने गाड़ी के अंदर करके दिया है। हम पर जो हमने क्रोम की ग्रेडिंग हैवी ग्रेडिंग यहाँ पर हमने दी है गाड़ी के अंदर, यहाँ आपको नज़दीक से मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ। ग्रेड यहाँ पर लिखा है, लोगो पूरा छपा हुआ है गाड़ी के अंदर। और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं लूमेक्स की ओरिजिनल लाइट यहाँ पर हमने बिग बॉस लगाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जंजीर नंबर प्लेट का हमने यहाँ पर काम किया है गाड़ी के। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो यहाँ लाइट क्यों नहीं लगाई है इस गाड़ी के अंदर, थोड़ा और नज़दीक से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयर फिल्टर अंदर की साइड से यहाँ पर एग्जॉस्ट इनटेक करने की जगह दी है, एयर इनटेक यहाँ से होगी गाड़ी के अंदर। इसकी वजह से आपका जो एयर फिल्टर है वो चोक नहीं होगा, फिल्टर एक तरीके से फिल्टर यहाँ पर दिया है ताकि हवा जो है साफ़ होकर गाड़ी के अंदर पहुँचे। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है ये मैं आपको गाड़ी की दिखाता हूँ कि हमने साइड में कैसा क्या काम करा है। पूरा का पूरा स्टील और एल्युमिनियम का चेकर प्लेट, पूरा का बढ़िया काम और मेटेलिक कलर। आइए नज़दीक से मैं आपको बताता हूँ। ITV इंदौर का मार्का यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा मेटेलिक काम कलर का। ऊपर की साइड आप कलर देख सकते हैं, और अंदर की मैं बात करूं 3D सनमाइका, और अंदर का जो इंटीरियर है ये भी कुछ नए तरीके से हमने बनाया है गाड़ी का। ऊपर की साइड में हमने एक्स्ट्रा हैंडल्स दिए हैं पकड़ने के लिए, ताकि उबड़ खाबड़ जगह पे ड्राइवर और कंडक्टर कंफर्टेबल फील रहे। और यहाँ जो आप सीट कवर देख सकते हैं हैवी, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के सीट कवर यहाँ पर हमने लगाए। यहाँ आप गेट की आवाज़ सुन सकते हैं, हैवी वर्क। गेट की आवाज़ से आपको पता लग गया होगा गाड़ी कितनी मजबूत बनी है। नीचे की साइड में स्टील के मारगार्ड, हैवी 5 बार चेकर प्लेट। और यहाँ पीछे की साइड में आप देख सकते हैं मेरा बॉडी पे नाम, ईश्वर ट्रक बॉडी बिल्डर। और पूरा का पूरा पंजाबी फॉन्ट में भी यहाँ पर काम हुआ है, गुरु राखा यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी के अंदर। और नीचे की साइड में दिल्ली जाला यहाँ पर हमने गाड़ी के अंदर लगा के दिया हैवी पाटे का, पूरा का पूरा मजबूत काम आपको ईश्वर ट्रक बॉडी बिल्डर पे मिलेगा। और 4 जगह डबल एंगल में ये गाड़ी बनाई है हमने। आपको और अच्छे से मैं गाड़ी का रिव्यू कराता हूँ। ऊपर की साइड में आप बत्ते साइड देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बत्ते हमने ऊपर की साइड में दिए, और केबिन का 6 बत्ते गाड़ी के अंदर लगे, और 5 फीट की स्टील की प्लेट गाड़ी के अंदर दिए।
और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो हमने हुक दिए हैं गाड़ी के अंदर। और नज़दीक आके मैं पीछे का रिव्यू कराता हूँ आपको गाड़ी का। स्टील के मरगार्ड पूरे के पूरे लगाए, पीछे की साइड में चैनल यहाँ पर हमने गाड़ी के अंदर दिया है ताकि जब गाड़ी कहीं गड्ढे में फंसे तो निकल जाए। यहाँ आप गाड़ी का नंबर देख सकते हैं MP09। और पीछे की साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ चेकर प्लेट यहाँ पर लगाई है पीछे की सिल्ली में, वो भी बैंड करके चेकर प्लेट लगाई है। और ऊपर की साइड में आप रेडियम का काम गाड़ी का देख सकते हैं डाले के ऊपर, हैवी पाटे का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है लकड़ी के ऊपर ताकि जो लकड़ी है वो टूटे नहीं। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 12 mm की प्लेट दी है हैवी की, मजबूत की मजबूत, ताकि धक्का लगाने के टाइम में जैसे ही इस पर धक्का लगाए तो गाड़ी का जो क्रॉस मेंबर है उसको कोई तकलीफ ना आए, चेचिस को कोई तकलीफ ना हो। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं जलो मत बराबरी करो हमने गाड़ी के अंदर लिखा है पावर, क्योंकि पावरफुल गाड़ी है, 250 हॉर्स पावर का इंजन है गाड़ी के अंदर। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं पाइप के पटिए हमने गाड़ी के अंदर लगाए, और सीनरी जो है बखूबी हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से बनाई जाती है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पट्टिये जो है निकलते हैं और वापस डलते हैं तो ख़राब ना हो, कलर निकले ना। और ये थी ITBB की क्वालिटी वर्क। आपका अपना ITBB इंदौर।